ये है भगवान का मंदिर और इसके जस्ट सामने है रानी का कान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आ गए हूँ आपके लिए फिर से रानी का महल पार्ट टू वीडियो लेकर। राजा प्रताप सिंह द्वारा निर्मित रानी का ये महल छोटे बानगढ़ की तरह नजर आता है, जो माचाड़ी गांव में स्थित है। तो चलते हैं इसके अंदर और बारीकी से आपको बताते हैं फिर से इस महल को। तो बने रही वीडियो पर, नए आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। दोस्तों अंदर आने के लिए इसमें मेन गेट ही है और इसके अगल बगल में बने हुए हैं छोटे छोटे कमरे जो कि चारों तरफ है और सामने की तरफ है वो मंदिर। और दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले इस कमरे में और आपको कमरे दिखाता हूँ। दोस्तों ये चारों तरफ के कमरे हैं जो सेम है और तो इसको ही बता देता हूँ आपको मैं। तो देखो कुछ इस तरह हैं इसके ये कमरे जिनमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है दोस्तों। और मैं आपको लेकर चलता हूँ बाहर और वो सुरंग बताता हूँ जो इस महल से रानी के कुएं तक जाती है। दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता ये है और बाद में लेकर चलूंगा आपको ऊपर और ऊपर से इस महल को दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मैं वो सुरंग दिखाता हूँ। ये देखो सुरंग में जाने का रास्ता ये है दोस्तों और ये भी कुछ कमरों की तरह ही है। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है सुरंग के जरिए जाया करती थी रानी कुएं में और इसको देखो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ से निकलता हूँ और आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। दोस्तों जो ये बरामदे नुमा फ्लोर है इसमें जो कमरे मैंने आपको बताया था वो सब एक जैसे हैं। अब मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर से स्मेल को बताता हूँ। तो ऊपर जाने का रास्ता ये है, चलते हैं ऊपर। तो इस टाइम आ गए ऊपर और ऊपर से स्मेल को आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखो ऊपर से महल कुछ इस तरह नजर आता है, बानगढ़ की तरह नजर आता है दोस्तों, क्योंकि ऊपर है जो सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं बचा बस दीवारों के अलावा। देखो जिधर नज़र जाती है पूरा ख़त्म है ये महल और इसमें एक कक्ष बचा है वो है रानी का कक्ष। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उसमें और दिखाता हूँ रानी का कक्ष। इधर की तरफ देखो पूरा राजगढ़ माचारी पूरा नज़र आता है दोस्तों। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर इसके झरोखे बनाए हुए हैं और ये रानी के कक्ष का मेन गेट है और इसके जस्ट यहाँ पर एक सीढ़ी जाती हैं, ये भी नीचे की तरफ जाती हैं जो कि कुछ इस तरह हैं दोस्तों। देखो और ये है रानी का कक्ष, इसमें एंटर करते ही हमें दिखाई देगा एक बहुत प्यारा रोशनदान जंगला। और ये है रानी का कक्ष जो कि बहुत साल पुराना होने की वजह से भी वैसा का वैसा टिका हुआ है। इसकी ये देखो छत कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पे और छोटे छोटे यहाँ पर आले हैं, आलों में पेंटिंग बनी हुई है दोस्तों। ये देखो कितनी प्यारी पेंटिंग है ये फूलों की, लोगों ने यहाँ पर नुकसान उनको पूछा रखा है। और एक झरोखा यहाँ पर है छोटा सा और देखो यहाँ पे देखो एक पेंटिंग ये आ रही है यहाँ पे और हुक्के की पेंटिंग है दोस्तों। देखो यहाँ पर लोगों ने कितना वो कर रखा है। तो कुछ इस तरह रानी का कक्ष